आप दोनों का है ना। ज्योति परम ज्योति पीछे पीछे कैमरा कैमरा पीछे पीछे ऐसा उधर साइड कर यार। बस बस ठीक है। एक बोर्ड सर ऐसे करो फोटो में आएगा। अरे कैमरा ऊपर सर थोड़ा पास में विद्यार्थी की शक्ति भारतीय जनता पार्टी श्याम कृष्ण राव जी ने सबका भवन का सभी सिद्धे गणमान्यगण बहनों भाइयों, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था सा विद्या या विमुक्त है, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, इस लोक में भी और परलोक में भी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था शिक्षा वह है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, अब मुक्ति दिलाए या मनुष्य बनाए, इसके लिए सामान्यतः तीन चीजों की जरूरत होती है। एक शिक्षा ज्ञान दे, पीढ़ियों से संचित जो ज्ञान है, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो परंपराओं का हो, जितना ज्ञान है वो आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया जाए। अगर उसमें कुछ जोड़ सकते हैं तो जोड़ के, कुछ नया अनुसंधान हुआ है, नई खोज हुई है, उसको समाहित कर दिगम भावी पीढ़ी को हम ट्रांसफर कर दें। लेकिन एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज और है, वह कौशल देना। अभी नई शिक्षा नीति की बात आदरणीय रामकृष्ण जी कर रहे थे, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है कौशल देना, और छठवीं क्लास से ही व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना। और जब विद्या भारती की तरफ हम देखते हैं, 1959 में दीवा में पहला विद्यालय, अब रोशनलाल जी के साथ, स्वर्गीय रोशनलाल जी सक्सेना जी के साथ भी रहने का सौभाग्य हम से अनेकों को मिला। मेरा तो पहले जेल में हुआ था उनसे, लेकिन तब से 1959 से लगातार रीवा से जो सफर प्रारंभ हुआ, एक नहीं अनेकों, जिसके बारे में आदरणीय भाई साहब ने आपको रामकृष्ण जी बता ही रहे थे, ऐसे विद्यालयों का संचालन जिसके माध्यम से हम मनुष्य तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे नागरिक तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये विद्या भारती कर रहा है। तो ऐसी स्थिति है कि विद्यालयों को खोलने का मार्ग भी प्रशस्त किया जाए, तो पहले 11वीं 12वीं महाविद्यालय कोचिंग क्लासेज, और उसके बाद 15 अगस्त तक सब ठीक ठाक रहा तो श्री राम जी उसके नीचे भी फिर धीरे धीरे विद्यालयों को खोलते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी क्या कहूँ, मैं मानता हूँ अक्षरा ऐसा संस्थान होगा जो सचमुच में प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा देगा।